गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आज के टीम के जूम प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टोरी में। हम प्रत्येक थर्सडे यानी एवरी थर्सडे टीम के जूम प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और इसका श्रेय जाता है हमारे टीम के फाउंडर मिस्टर कुमार कुलवीर श्वेता मैम का। थैंक्स, एक बिग थैंक्स बनता है इनके लिए। और आज की सक्सेस स्टोरी में आप सारे लोग जुड़ चुके हैं। हमारा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप जितना जल्द से जल्द अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ जोड़ पाएंगे उतने ज्यादा फायदा उठा पाएंगे और बाकी लोग यूट्यूब चैनल पे आएंगे। तो मैं आपके बीच एक ऐसे पर्सनैलिटी, एक ऐसे शख्सियत को आज इन्वाइट करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है। हम सबको पता है सक्सेस इज रिकॉग्निशन, पहचान ही सफलता है और हम प्रयास से पहचान बनाते हैं एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपके पास होता है। ऐसे एक उदाहरण है हमारे बीच जो हमारे मित्र और हमारे ग्रेट मेंटर हैं, एक वर्सेटाइल लीडर हैं, ग्रेट ट्रेनर हैं। उतना ही नहीं, इन्होंने वेस्टीज में डीसीटी का लेवल लिया है, ये मिलेनियर भी हैं। तो ये बहुत कुछ इनके साथ है जो इन्होंने वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से टीम केस के प्लेटफॉर्म के तहत एक अच्छे एग्जाम्पल सेट की है, एक अच्छा उदाहरण सेट किया है और जिस उदाहरण के साथ आज मैक्सिमम लोगों के लाइफ को लगातार सही डायरेक्शन में सफलता की ओर ले जा रहा है। आप भी उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और आपकी ज्यादा से ज्यादा टीम उठाए, इसके लिए आप आज के इस सेशन को ध्यान से सुने। सुनने से यह दावा है मेरा कि जबरदस्त फायदा मिलेगा और आपकी टीम को भी फायदा मिलेगा। आई नो वेरी वेल कि आप सारे लोग पूरी तरह से तैयार होंगे, फुली एक्साइटमेंट के साथ होंगे और उनको सुनने के लिए बेताब होंगे। खास करके जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं और जो नए लोग हैं, मैं यकीनन ये बताऊंगा कि जब पूरी सेशन कंप्लीट होगी तो आपकी आज एक जबरदस्त बदलाव आपके साथ होगी जो आपके सफलता के लिए सबसे पहला, सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा टाइमिंग साबित होगा। तो मैं ज्यादा देर करते नहीं, मैं हमारे बीच हमारे वेस्टीज डबल क्राउन डायरेक्टर, मिलेनियर और डायनेमिक लीडर एंड अ ग्रेट ट्रेनर मिस्टर काशीनाथ पांडे जी का आप सबके डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगा। ओवर टू यू काशी जी। थैंक यू अजय, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अजय झा जी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। ये बहुत तो प्राउड का विषय है कि आज एक ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पे सक्सेस स्टोरी को शेयर करने का दिन है। और मेरा मानना है कि स्टोरी बाद में की जाए, सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना बहुत इम्पोर्टेंट है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, राइट। तो वेस्टिज प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले वेस्टिज मैनेजमेंट में जो हमारे त्रिमूर्ति हैं, गौतम बाली सर, कन्वर सर, दीपक सर, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। साथ में जो हमारी अपलाइन की सीक्वेंस है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें अमित कुमार साहा जी जिनके थ्रू मुझे यह बिजनेस मिला, कुमार कुलविजय सर जो आज वेस्टीज एम्बेसडर हैं, टीम के इसके फाउंडर हैं। तो इन सभी के गाइडेंस में मुझे सफर को करने का मौका मिला, राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं आप सभी के लिए बहुत बहुत वेल विशेस। आज मैं आपके साथ जो बातें करने वाला हूं, इसका नाम तो सक्सेस स्टोरी है, सफलता की कहानी, लेकिन मैं मिलाना चाहूंगा आपको उस काशीनाथ से जिसको आप आज सुन रहे हैं, ये डबल क्राउन डायरेक्टर और मिलेनियर और जो जो बहुत सारी बातें कही अजय झा साहब ने, वो सब बातें आज के काशीनाथ की है। लेकिन क्या आप उस काशीनाथ से मिलना चाहेंगे जो आज से 10 साल पहले था? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने उस काशीनाथ को इस काशीनाथ में कन्वर्ट किया? ऐसी क्या चीजें हुई? आज मैं कोशिश करूंगा आपके साथ में अगले 30 मिनट में इन सारी बातों को शेयर करने का और आई होप कि इन चीजों से आपके लाइफ को बहुत बेटर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको, राइट। तो बिना ज्यादा विलंब किए हुए मैं आपको ले चलता हूं अपने कुछ पुराने यादों के झरोखों से, जहां से हम लोगों ने अपने लाइफ को स्टार्ट किया था, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। बचपन से मैं एक बहुत बड़ा ड्रीमर था, बड़े सपनों को देखने वाला था। लाइफ में मुझे हमेशा चाहिए होता था कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। ऊपर वाले ने बहुत अच्छी लाइफ दी, अच्छा परिवार दिया, अच्छे माता पिता दिए, बहुत बढ़िया
अच्छे संस्कार मिले बचपन से। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस तरह से बिल्डअप करने का अपना काम किया। लाइफ आगे बढ़ने के बाद जैसा आमतौर पर होता है, मैं रांची झारखंड से हूँ और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे थोड़े पढ़ने में ठीक होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग से ही होता है कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, राइट। तो मेरे लाइफ में भी यही चीजें चल रही थी। मैं पढ़ने में शुरू से काफी ठीक था। काफी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं राइट फ्रॉम माय क्लास वन से लेकर के और इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएशन तक जो मैंने किया है, मैं कभी भी सेकंड नहीं आया। ऑलवेज आई वाज द फर्स्ट इन माय क्लास और माय स्कूल। इवन जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो ऑनर्स यूनिवर्सिटी का था उसमें भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। तो पढ़ने में शुरू से ठीक था, बातें समझ में आती थी। तो मन में ये शुरू से था कि भाई करना है तो यूपीएससी क्वालिफाई करना है। मैंने आईएएस के लिए प्लान करना स्टार्ट किया। ये बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज है। बहुत से लोग ऐसे हैं यूथ जो इन बातों को सुन रहे होंगे, जो अपने कैरियर को बिल्ड करने का प्रयास कर रहे होंगे, और आज से 10 साल पहले का जो माइंडसेट था अभी भी बहुत से लोगों का है। वो माइंडसेट अधिकांश यही होता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाओ, अच्छे ग्रेड मिलेंगे, अच्छा पोजिशन मिलेगा, तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और अच्छी नौकरी वो भी अगर सरकारी वाली हो तो कहने का नहीं है। और यूपीएससी जहाँ पे आईएएस आईपीएस क्वालिफाई करते हैं वो हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। लाइफ में मैंने केवल एक ही फॉर्म डाला है, दैट इज यूपीएससी। इसके अलावा मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा कभी भी। जो छोटे छोटे और एग्जाम्स होते हैं, मैं किसी को तुलना कम नहीं करता, लेकिन मैंने उन फॉर्म को नहीं भरा क्योंकि मेरे मन में शुरू से था करना है तो कुछ बड़ा करना है, राइट। यूपीएससी की मैंने तैयारी करनी शुरू की, पहला अटेम्प्ट दिया, पहली बार में ही पीटी क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ। इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एट दैट टाइम कुछ टफ लाइफ में आने स्टार्ट होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि बहुत सारे टफ टाइम्स आते हैं। थैंक्स गॉड कि मेरे जीवन में जो कठिन समय था वो शुरुआत में ही आ गया, स्टार्टिंग में ही। राइट फ्रॉम माई 20 ईयर के आसपास का जब मेरा उम्र था, उस वक्त से मेरे लाइफ में टफ टाइम स्टार्ट हुआ। टफ टाइम इन द सेंस व्हाट? टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, है ना। कुछ आर्थिक हालात ऐसे बने कि परेशानियों का स्टार्ट सामना करना पड़ना शुरू हो गया। और वो एक ऐसा दौर था जब भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का उदय हो रहा था, बहुत सारी नई नई कंपनियां आ रही थी। तो कुछ कंपनियों के साथ मैं भी अटैच हुआ, हमारे दोस्तों ने मुझे बताया, मैं कुछ कंपनियों में जुड़ा भी। और मैं आज ये बातें बहुत खुल करके कहता हूँ इन चीजों को लेकर के, कि मैंने स्टार्टिंग में जब नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा तो मेरी एंट्री सही कंपनी के साथ नहीं हो पाई। मैंने बहुत सारी कंपनियां जो आज सभी लोग कहते हैं ना, बाइनरी, ट्राइनरी या ग्रोथ प्लान या बोर्ड प्लान, इस तरह के बहुत सारे प्लान उस दौर में चलते थे। तो उन प्लान्स में मेरी एंट्री हुई। मजे की बात यह होती थी कि मैं ज्वाइन करता था, 2-4-6 महीने होते थे और कंपनी बंद हो जाती थी, है ना। तो हर बार टीम बनाता था मैं, हर बार इनकम आती थी, लेकिन फिर 6 महीने के बाद में वही की वही कहानी, वापस बैक टू जीरो, फिर से नई कंपनी, फिर से नया टीम, फिर से सारा काम करना। तो ये वो पीरियड था जहां मैं सीख रहा था। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि मैं धीरे धीरे करके इन चीजों को सीख रहा था। पैसे बहुत ज्यादा नहीं बन रहे थे, बट स्टिल मैं उन चीजों को सीख रहा था कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन ये समय कुछ लंबा चला, तकरीबन 7-8 साल का जो पीरियड था वो इसी दौर में गुजरा, जहां पर मैं इधर से उधर बहुत सारी कंपनियों के साथ में अटैच हुआ। कभी कुछ अपने तरफ से कुछ बिजनेस करने का भी मैंने प्लान आउट किया, लेकिन जिस बिजनेस में हाथ डालता था कहीं ना कहीं से उसमें उधार का चक्कर और बहुत सारी चीजें होती थी जिसको मैं कोप अप कर नहीं पाता था, क्योंकि मेरा माइंडसेट ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए बना हुआ नहीं था। लोगों पर ट्रस्ट मैं बहुत जल्दी कर लेता था और शायद ये मेरी ट्रेडिशनल बिजनेस में कमजोरी थी जिसकी वजह से मुझे बार बार नुकसान होता था। तो एक मैं ऐसा युवा था जहां पर जो कैरियर को लेकर के अब फिक्स करने के मोड पे था कि यहां पे कैसे करूं ताकि हमारा कैरियर जो हो वो सेफ हो पाए, कैरियर सिक्योर हो पाए। दूर दूर तक कुछ चीजें दिखती नहीं थी। सरकारी नौकरी मैंने किया नहीं, हुआ नहीं हमारा, रैदर मैं अगर ये कहूँ सही बात होगी, हुआ नहीं, मैंने किया नहीं किया होता है, राइट। प्राइवेट नौकरी में मुझे बिल्कुल कभी भी मन नहीं किया कभी भी करने का, और बिजनेस में सफल हो नहीं पा रहा था। तो एक सवाल मेरे पास आया, कासिना तुम और कर क्या सकते हो, व्हाट यू कैन डू, तुम्हारा लाइफ में और क्या करने का, जीवन को आगे बढ़ाना है कुछ तो करना होगा, तो क्या करना है। वो एक पीरियड था जहां पे तकरीबन 6-7 महीने मैंने पूरे इंडस्ट्री का एनालिसिस किया जितना मैं कर सकता था, बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे प्लान को, बहुत सारे करियर ऑप्शंस को, जितने भी ऑप्शंस होते हैं मैंने उसको सर्च करने का प्रयास किया। और कुछ सवाल मैंने खुद से पूछे, नंबर एक कि काशीनाथ क्या तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। नंबर टू, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंस्पायर करती हैं, राइट, और उसके लिए कौन सी इंडस्ट्री सुटेबल हो सकती है। तो कुछ जवाब मेरे पास आए। नंबर वन की एक जवाब आया कि मैं
मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ और लोगों से बातचीत करना मुझे बड़ा पसंद है। मेरी मित्रता बहुत अच्छी हो जाती है लोगों के साथ में। तो मुझे लगा कि इसके लिए ऐसा फील्ड होना चाहिए जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल का एडवांटेज मिले। दूसरा, पैसे बहुत ज्यादा पास में थे नहीं, तो मुझे एक ऐसा करियर ऑप्शन चाहिए था जहाँ पैसे नहीं लगते हो, बिना पैसे के पैसे कमाए जा सके, राइट। और थर्ड इम्पॉर्टेंट कि कुछ ऐसा स्टेबल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर मैं टिक करके काम कर सकूँ, क्योंकि जीतता वही है जो टिकता है। बिना टिके ओवरनाइट सफलता नहीं मिलती, ये बात मैं समझ चुका था पिछले अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। और आज मैं बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ कि मेरे पास 7 से 8 वर्षों का असफल कैसे हुआ जाता है इसका एक्सपीरियंस है। कितनी तरह से फेल हुआ जाता है ये मैं जानता हूँ, कितनी बारी गिरा जाता है ये मुझे पता है। लेकिन एक अच्छी बात रही कि हर बार गिर करके मैं उठा, गिरा तो मैं फिर गिरा नहीं रहा, मैं हर बार गिर करके उठा हर बार, और पिछली गलतियों से मैंने कुछ ना कुछ सबक लिया। मेरा मानना है गलती करना कोई गलती नहीं है, गलती को गलती करके गलती नहीं मानना सबसे बड़ी गलती है। तो मैंने अपने गलतियों को एक्सेप्ट किया कि कहाँ कहाँ मुझसे गलती हो रही थी। मुझे चाहिए था एक अच्छी कंपनी, और इट वॉज गॉड ग्रेस, भगवान का आशीर्वाद था कि मुझे लाइफ में ऐसे ही ऑन रोड चलते हुए अमित कुमार साहा जी मिले, जिन्होंने रांची में उस वक्त अपना एक छोटा सा DLCPO स्टार्ट किया, DCC हुआ करता था रागर उस समय। ये मैं घटना बता रहा हूँ आपको अक्टूबर 2010 की, आज से तकरीबन 10-11 साल पहले 9th अक्टूबर 2010 को मेरी पहली मुलाकात उनके साथ हुई। हम लोग अननोन थे, स्ट्रेंजर थे, और उस रूप में मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा वेस्टिज क्या है, उनकी दुकान में बहुत सारे प्रोडक्ट को मैंने देखा, मैंने पूछा ये क्या है, तो दवा जैसा दिख रहा है लाइक दैट। उनके बड़े भाई आलोक साहा जी ने मुझे प्लान दिखाया, प्लान मुझे बिल्कुल सर के ऊपर से गया, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से था कि मुझे बाइनरी में जहाँ पे सिंपल लोगों को जोड़ते हैं पैसे मिलते हैं वो मेरे समझ में आता था, PVBV मैंने कभी नहीं किया था, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। खैर जितनी भी बातें समझ में आई, मैंने वहां से चाय पत्ती और पेस्ट लिया, और एक स्टार्टिंग चीज आती थी बिजनेस स्टार्टर किट, कुछ इस तरह का, राइट, बिजनेस स्टार्टर किट आप सबको दिख पा रहा होगा उस समय आता था, वो मैंने लिया ताकि मैं इसको पढ़ पाऊं। लेकर मैं घर आया, घर पे आके प्रोडक्ट्स यूज होने स्टार्ट हुए, प्रोडक्ट का जो टेस्टिमोनियल घर से मिला कि नहीं चाय पत्ती अच्छी है, पेस्ट अच्छा है, तो पहला एक सेटिस्फेक्शन घर से आया कि प्रोडक्ट अच्छे हैं। ये मैं बिल्कुल आपको सच्ची कहानियां बता रहा हूँ। प्लान को जब मैंने पढ़ा, सही बताया तो मेरे माइंड में कुछ भी समझ में नहीं आया, चूंकि PVBV आज तो बड़े आराम से आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे PVBV काम करता है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कैलकुलेशन कैसे होता है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और मुझे लगा कि ये प्लान मेरे काम का नहीं है, यहाँ पैसे नहीं बनाए जा सकते हैं, ये टाइम वेस्टेज होगा। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया बहाना बनाना। जब भी मेरे पास अप्लाइंग का फोन आता था, मैं उनसे कोई ना कोई बहाना बनाता था, मैं रांची में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, लाइक दैट। उसमें बड़े फोन भी हुआ नहीं करते, छोटे वाला फोन सबके पास होता था, राइट। तो इस क्रम में 3 महीने तक मेरा फॉलोअप चला, 3 महीने। आज बहुत सारे लोग 1-2 बार मिलने के बाद में अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो लोग छोड़ देते हैं कि ये व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन थैंक यू अमित कुमार साहा जी, जिन्होंने 3 महीने तक, वो और उनके 2 ब्रदर्स जो हैं, दोनों ने मेरे साथ फॉलोअप कंटिन्यू रखा। हर बार जब भी कोई मीटिंग होती थी बताते थे, या ओवर फोन बातें होती थी, ये चीजें होती रही। 3 मंथ के बाद में मेरे लाइफ में दिन ऐसा आया 27 दिसंबर 2020, जहाँ पे कोलकाता में उत्तम मंच में एक प्रोग्राम होने वाला था जिसका नाम था NDES, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार। मुझे नहीं पता क्या होता था ये, लेकिन अमित सर जी और अरविंद कुमार साहा, आलोक जी, ये तीनों ब्रदर्स जो हैं आज, इन तीनों ने मुझे बहुत ज्यादा इस पे ये किया कि आपको वहां चलना है, रादर मेरे को जबरदस्ती लेकर के गए वहां। और संयोग बस थैंक यू गॉड कि उस दिन मैं गया वहां पर। वहां जाने के बाद गौतम बाली सर की वो NDES थी, उस NDES में मैं बैठा, और टचवुड उस NDES में बैठने के बाद मुझे बिजनेस का क्लैरिटी थोड़ा समझ में आया कि ये बिजनेस में पोटेंशियल तो है और इसमें कुछ बड़ा किया जा सकता था, क्योंकि मैं सामने बहुत से लोगों को देख रहा था जो अच्छी इनकम कर रहे थे, उसमें कुछ लोग मेरे जान पहचान के भी दिख गए मुझे जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। मेरा विश्वास थोड़ा बढ़ा और वहां से मैंने स्टार्टअप लिया, वापस आकर के जनवरी से हमने स्टार्ट किया। और आप अभी जिनके साथ मेरे साथ आप देख रहे थे, अजय झा साहब, रांची आने के बाद मैंने, ये हमारे एक अच्छे मित्र है, पुरानी कंपनी में हम लोग कभी अलग अलग टीम में हुआ करते थे, मैंने इनके साथ में बैठ करके अपने घर के छत पर, हम लोग रूफ पे बैठे, वहां बैठ करके बातें हुई, मैंने कहा कि ये कैसा चीज हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। थैंक यू झा जी कि आपने भी उसमें सपोर्ट किया, आपने कहा कि नई चीज तो अच्छी लग रही है, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। हम लोगों ने मिलकर के स्टार्ट किया। और एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारी कमियां होती हैं, राइट। मेरे पास कमी क्या थी, मेरे पास व्हीकल नहीं था, मेरे पास कोई बाइक कोई साइकिल नहीं था, तो फील्ड में मूव करने के लिए कहीं ना कहीं हमें व्हीकल चाहिए होता है। आप पैदल या ऑटो रिक्शा से बहुत सारा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं,
झा साहब के पास बाइक थी उस समय, हम दोनों लोगों ने मिलकर के काम को स्टार्ट किया। और बिल्कुल शुरुआती दौर की मैं बात बताऊं, झा साहब आगे बैठते थे, पीछे मैं बैठता था, और हमारे पास एक बड़ा सा बैग होता था जहाँ पे प्रोडक्ट्स भरे होते थे और सारी चीजें होती थी, और हम लोग लेके फील्ड में एक एक घरों में जाना स्टार्ट किए, लोगों को बताना शुरू किए। वो पीरियड ऐसा था जब झारखंड में ऑफिस नहीं था, पूर्वेश भी बता रहे थे, झारखंड में ऑफिस नहीं था उस समय। छोटे छोटे जगहों पर प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत टफ था, आसान नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसको एक बीड़ा लिया कि यस हमें करना है, और हम लोगों ने हर जगह पर जाकर के चीजों को कवर करने का प्रयास करना स्टार्ट किया। छोटे छोटे जगहों पर जाकर एक एक घर में जाकर लोगों से मिल करके प्रोडक्ट का डेमो देना, बताना और वर्कआउट करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज कुछ चीजें ऐसी जो हमने किया था उस वक्त। जैसा मैंने बताया कि हमारे पास एक फाइल हुआ करती थी, एक बैग मेरे पास था जिस बैग में हमेशा रहता था एक, ये आप सब पहचानते होंगे, दिस इज सक्सेस प्लान, राइट। उसके साथ में हुआ करता था एक हेल्थ गाइड कंपनी का, उसके साथ में हुआ करता था प्रोडक्ट का कैटलॉग, ये अपडेटेड प्रोडक्ट अभी आया है, पहले कैटलॉग दूसरा था, राइट। उसके साथ में कुछ प्रोडक्ट्स की कैटलॉग जो होती है, स्टायुना का प्रोडक्ट कैटलॉग, आयुषंते जब आया उसका प्रोडक्ट कैटलॉग, स्किन फॉर्मूला 9 उसका कैटलॉग, आयुषंते का कैटलॉग, राइट। ये सारी चीजें हुआ करती थी। और एक खास चीज हमारे पास था, आज बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हम प्लान कैसे दिखाएं, लैपटॉप हमारे पास भी नहीं था उस वक्त, लेकिन एक चीज थी जिसे कहते हैं फ्लिप चार्ट, दिस वॉज द फ्लिप चार्ट। इस फ्लिप चार्ट से हम लोग प्लान किया करते थे लाइक दिस, ऐसे फोल्डर है ना, ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ और ये रियलिटी है तो ये मैं दिखा भी पा रहा हूँ आपको, इससे हम लोग प्लान दिखाया करते थे। और इतना प्लान दिखाते थे आप बिलीव करो कि पर डे इतने सारे प्लान हो जाते थे कि गले से आवाज तक नहीं निकलती थी, मतलब लास्ट मोमेंट तक हम लोग प्लान दिखाते थे, जब गले से आवाज निकलना बंद हो जाता था तो प्लान बंद होता था। सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूअसली लोगों को लाना, उनके साथ बैठना, प्लान करना, यही हमारा काम था। एक जिद आ गई थी कि कुछ करके दिखाना है। थैंक यू बहुत सारे लोगों ने शुरू में ना बोला, जितने भी क्लोज फ्रेंड थे एक भी नहीं आया, जितने भी रिलेशन के लोग थे एक भी ज्वाइन नहीं किए, जितने भी पड़ोसी थे एक भी नहीं ज्वाइन किए, राइट। आज उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने ना किया, क्योंकि उनके ना की वजह से हमें ताकत मिली कि हम अनजान लोगों तक पहुंचे और प्लान करें, और हम लोगों ने टोटली बिजनेस जो है ना वो बिल्ड किया नए लोगों के साथ। आज तो फिर अब सारे लोग आने स्टार्ट हो गए, लेकिन उस वक्त समय कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था। मेरा पहला चेक 797 रुपए का आया था, 797 जनवरी 2011 में। अब 797 रुपए का चेक अगर आए तो बहुत बड़ा खुशी तो होता नहीं है, वर्क ज्यादा किया था पूरे महीने, 797 रुपए का चेक आया, लेकिन घर से एक पॉजिटिव माहौल मिला। हमारी वाइफ ने कहा कि नहीं ये एटलीस्ट इसमें पैसा लग तो नहीं रहा है, पहले जो कंपनी आप करते थे वहां तो कभी कभी ऐसा भी होता था घर से पैसा देना पड़ता था लोगों को, क्योंकि जिनको ज्वाइन कराते कंपनी बंद होती थी पैसे देने पड़ते थे, दिस वाज द साइड ड्रॉबैक बहुत सारी कंपनियों का, इसलिए स्टेबल कंपनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सर्च एंड हुआ वेस्टीज पे आकर के, मुझे दिखा अच्छा प्लेटफॉर्म, मुझे दिखा अच्छा प्रोडक्ट, मुझे दिखा अच्छा पे आउट, मुझे दिखा अच्छा प्लेटफॉर्म एंड प्लान, हर वो चीज यहाँ पे कॉम्बिनेशन मुझे दिखी जिसको करके एक स्टेबल नेटवर्क बनाया जा सकता है। कंपनी अच्छी जब मिल जाए तो आप उस पर बड़ा अपना प्लान आउट सेट कर सकते हैं। तो वहां से हम लोगों ने स्टार्टअप किया, सेकंड मंथ 3000 रुपए का चेक पहुंचा, और वही समय था जिस वक्त हमें पहली बार मीटिंग मिली। मैंने बताया जनवरी से काम स्टार्ट हुआ, जब काम स्टार्ट हुआ थैंक यू को मैं करना चाहूंगा कुमार कुलविया सर को, हमें रांची में पहली मीटिंग मिली। और मैं आपको एक चीज आज दिखाना चाहता हूँ, मैंने ढूंढ के निकाला है, ये मेरी पहली डायरी है और ये पहला मेरा मीटिंग है CNT का, जिसे कुमार कुलविया सर ने लिया था, और पहली बार मैंने कुमार कुलविया सर का नंबर लिया था, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ऊपर में 30 जनवरी 2011 का डेट है, ये मेरी पहली डायरी थी। आज बहुत सारे लोग मीटिंग में आते हैं बिना डायरी के, ये एक बहुत बड़ा लेसन है, आप शुरू से ही डायरी जरूर मेंटेन करें। और मेरे पास उस वक्त से लेके आज तक जितनी भी मीटिंग मैं करता हूँ उस सबकी डायरी जरूर होती है, और जो मुझे लगता है नोट डाउन करना चाहिए उसे मैं जरूर नोट डाउन करता हूँ, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैं कुछ चीजें आपको दिखा के भी बता रहा हूँ इसमें, सो दैट कि आप इसको एक्सपीरियंस कर पाए कि ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने एक नॉर्मल काशीनाथ को आज डबल क्राउन डायरेक्टर में कन्वर्ट किया, करोड़पति बना दिया, ऐसी कौन सी चीजें थी। मैं थैंक यू करता हूँ उन चीजों को कि जो टूल्स हैं उसने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, टूल्स को लेकर शुरू से मैं बहुत कंसियस रहा, हर वो टूल जो चाहिए होता है वो सब हमारे पास है, आज भी है, मैं आज भी उनको यूज करता हूँ। नए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको एक बड़ा बिजनेस अगर बिल्ड करना है तो टूल्स का सहयोग जरूर लीजिए। टूल्स कौन कौन से, जैसा मैंने फ्लिपचार्ट दिखाया, हिंदी वाली ये वाली टूल्स आती है, आप इसमें लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। कैटलॉग नहीं है, नहीं दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, ये आप बुक तो ले सकते हैं ना, इसे लेकर लोगों को दिखा सकते हैं, प्लान दिखाया जाता है,
वर्बली बोला नहीं जाता, दिखाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको आज इन चीजों को दिखा रहा हूं ताकि आप ही को देख के समझें। वर्कबुक वेरी इंपॉर्टेंट, जो टीम केस का एक बहुत अच्छा टूल है, वर्कबुक अपने पास जरूर होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स के साथ में अटैच होना इंपॉर्टेंट है, राइट? हम लोगों ने शुरू से ही ये इटर्निटी किताब जो है कंपनी की, 7 ईयर्स की पूरी हिस्ट्री, कंपनी जब से स्टार्ट हुई 2004 से लेकर 7 साल जब पूरा हुआ था उस वक्त एक बुक लॉन्च हुआ था, इसमें कंपनी की पूरी बायोग्राफी दी गई है, कंपनी ने कब कौन सा काम किया, क्या किया, कितने एम्प्लॉई हैं, कितने लोग करोड़पति बने, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं, राइट? इसके साथ साथ लीडिंग लेडीज की किताब, जिसमें वो महिलाएं जिन महिलाओं ने बड़ा अचीवमेंट लिया, आप देखो ये सारी किताब यहाँ पे दिख रही हो आपको, लीडिंग लेडीज की बुक। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सभी लोगों को गाड़ी चाहिए होती है लेकिन ये 1.5 किलो का कार बुक ये लेना ठीक नहीं लगता, मैंने इसको इतना ढोया है कि आप देखो इसकी धज्जियां उड़ गई हैं, टेप से कवर करना पड़ा है इसको, हम लोगों ने इतना वर्कआउट किया, इतने लोगों को दिखाया है, जिसका गाड़ियों की फोटो दिखाते हैं, गाड़ियों की फोटो दिखाते दिखाते एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी तस्वीर इन गाड़ियों में चली आती है, और वो दिन भी आ गया। आप यहाँ देखो जब इस बुक को दिखाते दिखाते तस्वीर छप गई, केवल अपने ही नहीं टीम के लोगों की भी तस्वीर छपी, आप देख सकते हैं झा साहब जो आपके साथ यहाँ दिख रहे हैं उनकी भी तस्वीर दिख रही है, आगे भी बहुत सारे लोगों की है, ये पूरे झारखंड एंड बाकी जगहों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू में मैं बताना चाहूंगा आपको कि शुरू में ये बैग कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना ये बैग कैरी करो ना कि कंधे में दर्द हो जाए, यही दर्द आपको आगे करोड़पति बनाएगा। जिसने इस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया ना, जिसको ये बैग भारी लगता है ना कि सर टूल बैग कैसे उठा के लेके जाए, तो सर फिर सफर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम लोगों ने उस दर्द को झेला और ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ऐसी बुद्धि दी कि हम उसको कर पाए। बॉडी को फिट रखने के लिए सप्लीमेंट्स को यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि हर बार वो काम करो जो आप करते हो, उसके बाद ही लोगों को कहो। राइट फ्रॉम माई स्टार्ट, आज तक मेरे अपलाइन को कभी भी मुझे फोन करके ये नहीं कहना पड़ा है काशी जी आप अपनी परचेजिंग कर लो, कभी नहीं। हर बार मैंने प्रयास किया है कि क्लोजिंग खत्म होने के बाद ओपनिंग जब हो सबसे पहले बिलिंग मैं कराने का प्रयास करता हूँ, राइट फ्रॉम बिगनिंग। ये एक आदत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैंने बार बार सीखा इन चीजों को कि भाई यूज द प्रोडक्ट पहला स्टेप है, वो मैंने करना शुरू किया। और जब मैंने करना शुरू किया टीम में भी वो चीजें होनी स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोग बड़ा करना चाहते हैं लेकिन खुद की प्रोडक्ट परचेजिंग करने को बोलो तो सर पैसे नहीं है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, बहाने स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट डूइंग बाय ओन सेल्फ, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हैं, आप जो कहते हैं आपकी टीम वो नहीं करती। आप कितना भी कहते रहें आपके लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप करेंगे उन चीजों को ना तो आपकी टीम भी करेगी। मैं केवल आपको ऐसे बोलता कि सर आप टूल्स यूज करो, टूल्स यूज करो, शायद आप नहीं करते, लेकिन अभी आप लाइव अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे काशी जी आपको इतने सारे टूल्स दिखा रहे हैं, राइट? ये तकरीबन 10 किलो से ऊपर है जो आप सामने देख रहे हैं, राइट? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, मैं आपको बेसिकली अटैच करना चाहूंगा सिस्टम से, क्योंकि सफलता की कहानी में सिस्टम का ही सबसे बड़ा योगदान है। सिस्टम ने आपको सफल बनाना है, अगर खुद से सफल बनने वाले होते तो अपनी काबिलियत से पहले बन चुके होते। तो एक बात तो समझ जाइए कि आज आप जहां तक पहुंचे हैं अपनी काबिलियत की वजह से पहुंचे हैं, लेकिन उससे आगे अगर जाना है तो आपको सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी, उन सफल लोगों की मदद लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी सफल है, उनके बताए हुए फुटप्रिंट्स पे ही चलना पड़ेगा। ये बात बहुत पहले मेरे दिमाग में आ गई थी, राइट? और मैंने उसी पे चलना स्वीकार किया। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग VIP, जिसे NDS पहले कहते थे, अभी VIP होता है, राइट? जरूर अटेंड करें, VIP में सारी बातें सिखाई जाती है। VLC डायरेक्टर बनने के बाद अब ये नहीं सोचना है कि जिंदगी में एक बार VIP कर लिए सारा आ गया, नो। मैंने तकरीबन अभी तक मुझे लगता है 50+ VIPs अटेंड भी करी है और करी भी है। VLC मैंने कितना किया है मुझे भी याद नहीं है। आज मैं जब सर्च कर रहा था मैंने देखा कुछ तस्वीरें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सारी VLC की तस्वीरें हैं। मैं स्क्रीन शेयर जान के नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ प्रेजेंटेशन है लेकिन मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीरें जो मैंने VLC में किया, आप देख सकते हैं, राइट? इस तरह का फोटोग्राफ हम लोग लिया करते थे, उसमें कैमरा नहीं होता था हमारे पास, फोटो हम लोग लेते थे और लेकर के, ये सारी VLC की तस्वीरें हैं सभी जगह, राइट?
आप देख सकते हो ये सारी चीजें लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज तो तकरीबन 20 से ऊपर मैंने VLCs अटेंड करी है, राइट, वेलनेस सिंपोजियम VWS जो आज भी चलता है। ये सारी चीजें कर करके जो चीजें दिमाग के अंदर डली ना, उसकी वजह से बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, राइट। और अगर आप ट्रेनिंग्स की बात कहेंगे तो मैं आपको यहां भी फिर से दिखाना चाहूंगा ट्रेनिंग्स। मैं सबसे ज्यादा विश्वास इसी पे करता हूं कि जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक लाइन कही जाती है, योर इनकम कैनॉट फार एक्सीड देन योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट मे टेक अ लिटिल जंप। यानी आपकी आमदनी आपकी मानसिक क्षमता से ज्यादा नहीं हो सकती, हो सकता है कि बाई चांस कभी ये जंप ले ले, लेकिन वापस फिर नीचे आ जाएगी। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोगों का चेक अप एंड डाउन होता रहता है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, राइट फ्रॉम बिगिनिंग से लेके ऑन एन एवरेज 5% 10% करके मेरा चेक बढ़ता रहा है हमेशा, कभी नीचे भी हुआ। लेकिन अगर मैं 5% डाउन गया तो अगली बार मैंने 10% जंप भी किया, एक कंसिस्टेंसी मिली मुझे, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहा सिस्टम के साथ में, राइट। ट्रेनिंग्स मैंने इतनी करी, मैं आज देख रहा था ये मैंने ट्रेनिंग्स करी है, आप देख सकते हो इतने सारे बैचेज पड़े हुए हैं सारे, इसमें सारे VIP VLC से लेकर के जो ट्रेनिंग्स बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती है, जैसे WLC वॉरियर लीडरशिप कॉन्क्लेव, तीन तीन ये ट्रेनिंग्स की है, सक्सेस बाय चॉइस की ट्रेनिंग्स जो होती है, मिलियनेयर माइंडसेट इंटेंसिव की ट्रेनिंग होती है, ऐसी ट्रेनिंग जो इंडिया के बाहर के अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने अटेंड किया, GNIC का नाम है जो एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, राइट। ये सारी ट्रेनिंग्स के सारे वो कार्ड्स हैं, राइट, और भी हैं, मैं आज कुछ सामने आपको दिखा पा रहा हूँ। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यही वो चीजें हैं जिसने उस काशीनाथ को इस काशीनाथ में कन्वर्ट किया। अगर ये चीजें नहीं होती तो काशीनाथ तो पहले भी वही था, पहले भी वही थे, लेकिन सिस्टम ने इनको एक बना दिया उस फॉर्मेट में ताकि ये सारा मेंटल सेटअप चेंज हुआ और आज आपके बीच में सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मौका मिल पा रहा है। आज इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों से मैं लाइव चीजों को दिखा करके बात करूंगा। स्क्रीन शेयर पे फोटो दिखती है सही है, लेकिन लाइव दिखाने का एक अलग मजा है। प्लस साथ में PMA बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन इसको करने की आदत डालें, बुक्स को पढ़ने की आदत डालें, रेगुलर मीटिंग्स। वे वेरी फॉर्चुनेट कि लास्ट 2 ईयर से हम लोगों को डिजिटल मोड पे इतनी सारी मीटिंग्स मिल रही है, पहले इतनी मीटिंग नहीं होती थी, हम लोगों को बहुत ट्रेवल करना पड़ता था, लेकिन हर जगह हमने प्रयास किया, जहां भी पॉसिबल था ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, ट्रेनिंग्स में पैसा दे के बैठा। लास्ट एंडियो में बता रहा था कि मैंने 9 times MTM अटेंड किया है पैसे दे करके, 9 बार करोड़पतियों को सुनने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि 10वीं बार एज अ गेस्ट कंपनी ने बुला लिया कि भैया आपको बोलना है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपको भी करोड़पति बन के बोलने का मौका मिले तो पहले करोड़पतियों को सुनना पड़ेगा। एक फिलॉसफी कही जाती है, हुना फिलॉसफी, ब्लेस व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए उसको पहले ब्लेस करो। अगर आप चाहते हैं लोग आपके तालियां बजाएं, पहले आपको ताली बजानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं लोग आपको रिस्पेक्ट दें, पहले आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जो आप दोगे वही मिलेगा, लाइफ का नियम है, राइट। तो ये सारी चीजें थी जिसने मुझे वहां से लेकर के यहां तक पहुंचाया, और धीरे धीरे करके जैसा मैंने बताया चेक 797 रुपए से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ते 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 कैसे वो 50,000 पार कर गया मुझे पता नहीं चला। पहले 1 साल के अंदर में ही डायमंड डायरेक्टर मैं बन चुका था, 50 से ऊपर का चेक हो चुका था, फिर चेक आगे बढ़ा 70, 80, 90, 1 लाख भी क्रॉस किया, आगे बढ़ते हुए 1.5 लाख भी क्रॉस किया, 2 लाख भी क्रॉस किया, 2.5 लाख भी क्रॉस किया, एवरेज 3 लाख रुपए की इनकम तक मैं हाईएस्ट पहुंचा। अभी के समय में एवरेज 2 लाख रुपए की इनकम रहती है, और टोटल कैलकुलेट करता हुआ अगर देखें तो करोड़पति ऑलरेडी बन चुके हैं। टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख नियर बाई करोड़ तक भी पहुंच चुके हैं। एक बड़ी टीम ऑल अक्रॉस इंडिया में फैली हुई है जहां से सभी लोग ग्रो कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माय टीम कि टीम के सारे लोग बड़े नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं और कैरियर को लेकर बहुत सिंसियर हैं। हम लोगों ने पूरी यूनिटी पर एक विश्वास रखा है और सभी अप्लाइंस के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, बड़े प्यारे रिलेशन हैं। हर वक्त हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। आज भी मैं सीखने के मोड पर हूँ। पहले मैं सीखता था कि भाई करोड़पति कैसे बन सकते हैं, आज मैं सीखने का ये प्रयास करता हूँ कि भाई अब 10 करोड़ पे कैसे पहुंचे, राइट। तो आज उन चीजों को लेकर के सीखा जा रहा है। आज मैं उन किताबों को पढ़ रहा हूँ जिसको करके मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकूं, राइट। पहले जो बुक्स थी उनकी कीमत कम हुआ करती थी, अब की बुक्स की कीमत थोड़ी बढ़ गई है। पहले हम लोग 100-200 का बुक परचेस करते थे, लेकिन अब बुक कीमत जैसे जैसे आपका ड्रीम बड़ा होगा तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी बड़ा लगाना पड़ता है। आज जो ट्रेनिंग करता हूँ मैं, उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट डॉलर्स में आती है, राइट। बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी है जो आपको
आउट ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग्स होती है वो भी अटेंड करना होता है, फ्री में तो मिलने वाला नहीं है, यू विल हैव टू डू। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रिप्स करने का मौका मिला, दिमाग थोड़ा और विकसित हुआ, जब बाहर गए घूमने गए तो चीजें समझ में और ज्यादा आई, वहां चीजों को सीख करके आए लाइफ में, फिर धीरे धीरे लाइफ में बोलते हैं ना, लाइफ में स्टाइल आना शुरू होता है। पहले तो केवल लाइफ थी, वो भी लाइफ नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ होती है, फिर धीरे धीरे स्टाइल एड ऑन होना शुरू हुआ। जिस घर में मैं रहता था वहां के घर को रिनोवेट किया, एक बढ़िया घर बनाया, कुछ प्रॉपर्टीज परचेज करी ऑल अक्रॉस इंडिया में अलग अलग जगहों पर। आज अच्छे तरीके से सारी चीजों को लीड कर पा रहा हूँ, टीम के लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये एक छोटा सा सफर रहा है मेरा, और मैंने प्रयास किया आप लोगों को वो चीजें बताने का जो मैंने किया है। मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकता कि जो मैंने नहीं किया है, जो मैंने किया है मैंने वही बताया आपको, और जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि आप जो करना चाहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लीजिए जो उन चीजों को करके सफलता के उस मुकाम तक पहुंचा हो, उनको कॉपी करना शुरू कर दीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे वहां तक पहुंच जाएंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल सक्सेस फॉर्मूला। अगर आपको करोड़पति बनना है तो किसी करोड़पति की तलाश कर लीजिए, उनकी संगत में आ जाइए, उनके एसोसिएशन में आ जाइए, उनके जैसा बोलना, उनके जैसा चलना, उनके जैसा बैठना, उनके जैसा पानी पीना, उनके जैसा खाना खाना, उनके जैसा सब कुछ करने का स्टार्ट कर दो। अगर आप देख रहे हो कि करोड़पति व्यक्ति जो है वो बात करने के समय किस तरह के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, आप भी यूज करना शुरू कर दें, उनके साथ दिखना शुरू कर दें, आप देखोगे पता भी नहीं चलेगा नेक्स्ट करोड़पति आप बन जाएंगे। ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ, विश्वास आपको तीन चीजों पर होना जरूरी है। सबसे पहला विश्वास अपने आप पर, क्योंकि खुद पर विश्वास अगर नहीं हो आप नहीं कर सकते। जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि आप वेस्ट पर टॉप लेवल पर जा सकते हैं, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। दूसरा विश्वास गॉड पे, उस ऊपर वाले पे, कि वो आपके लिए जो भी करेगा बेटर करेगा। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन एक बात जान जाए कि जब सोना आग में तपता है ना, तभी जाके आभूषण बनता है उसका, बिना आग में तपाए हुए आभूषण नहीं बन सकता। पत्थर को जब तक छिनी हथौड़ी से तोड़ा नहीं जाता है वो मूरत का रूप नहीं लेता। तो अगर आपके लाइफ में भी ट्रेजेडी आ रही है, परेशानियां आ रही है, समझ जाइए कि ऊपर वाला आपको तराश रहा है, आपको तराश रहा है ताकि आपका एक बेटर वर्सन निकल करके आए, अपडेटेड वर्सन निकाल पाए। थैंक यू बोलिए गॉड को, राइट। और तीसरा विश्वास जो सिस्टम है, अप्लाइंस है, उनके ऊपर, दे आर द ओनली पीपुल जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने को तैयार रहते हैं। तो ये विश्वास को हमेशा बरकरार रखिए, साथ में नेगेटिविटी से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहें। लाइफ में हमेशा आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे आप नहीं कर सकते, वहां पे बहरे बन जाइए, उनकी बातों को बिल्कुल मत सुनिए। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस से सारी चीजें होती हैं, फोकस हमेशा पॉजिटिव पर करिए, राइट। मैं बहुत ज्यादा उपदेश नहीं दूंगा आपको, जो चीजें बस सिंपल फॉर्मेट में है मैं वही बता रहा हूं आपको। बस केवल मैंने एक रास्ता आप सभी के लिए बताया कि ये चीजें करके आप भी इस लेवल पर आ सकते हैं जहां तक मैं पहुंचा हूं, राइट। तो एक छोटी सी ये स्टोरी है जिसको मैंने ट्राई किया आप लोगों के साथ में एक नॉर्मल फॉर्मेट में पेश करने का, जो मैंने किया था आपको दिखाने का, मैंने प्रयास किया और इनको करके मेरे लाइफ में बदलाव आया है। इन सभी चीजों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, फिर से गॉड का, सारे अपलाइन मेंटर्स का, टीम के सभी लोगों का, और एक सवासी खुद का भी, कि मैंने इन चीजों को चुना, इनको करने का स्टार्ट किया मैंने, राइट। तो दिस वॉज द होल स्टोरी, और लास्ट में सेशन को खत्म करने के पहले आपके साथ में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप सभी में पोटेंशियल है, आप सभी हर वो कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको अपने ड्रीम पर अगर विश्वास है तो आप अचीव भी कर सकते हैं। एक लाइन कही जाती है नेपोलियन हिल की, व्हाट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। जो आपका दिमाग सोच सकता है, जो आपका दिमाग महसूस कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है, ये 100% सही बात है। तो आप आज जिस भी पोजिशन पर है, जैसे भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आप गोरे हैं काले हैं, गांव से हैं शहर से हैं, उम्र में ज्यादा हैं उम्र में कम हैं, आपको बोलने आता है नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है आपके भीतर क्या है, आपका फोकस किस पे है, आपका बिलीव किस पे है। अगर आपका विश्वास सफलता पे है, आपका विश्वास ये है कि आप कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक सही एसोसिएशन में, सही मेंटरशिप के साथ में आप आए, आप देखेंगे बिलीव के साथ में काम करते हुए 100% उन चीजों को आप पूरा कर लेंगे। ईश्वर करे आपका माइंडसेट वैसा बने कि आप भी सही मेंटरशिप में आए, खुद पर विश्वास कर पाए, और राइट के साथ में रहते हुए वेस्टिज के प्लेटफॉर्म पर शानदार सफलता आपका इंतजार कर रही है। केवल प्रोसेसिंग बाकी है, आपने डिसाइड कर लिया, चीजें आपकी हो गई, प्रोसेस में जो वक्त लगना है केवल वो लगेगा। जिस दिन आपने वेस्टिज ज्वाइन किया उसी दिन आप क्राउन डायरेक्टर, डीओसीडी उसी दिन बन गए, केवल प्रोसेस में टाइम लगता है, दैट्स इट।
राइट। तो ये प्रोसेस का जो समय है आपका बहुत कम लगे, मैं विश करूंगा आप सभी लोगों के लिए कि आप सब भी अगले लेवल पे नेक्स्ट मिलेनियर बन करके टीम के इसमें वेस्टीज में बहुत जल्दी शामिल हों। और आज की इस स्टोरी से अगर आपको कोई भी मदद मिले उसमें, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए सार्थक रहेगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का अपना कीमती वक्त देने के लिए और एक मौका देने के लिए कि मैं आपके बीच वाली बातों को, अपनी स्टोरी को सुन पाऊं, क्योंकि पहले तो आपकी स्टोरी को सुनने का आपका बगल वाला भी नहीं सुनता था। लेकिन थैंक यू इन चीजों के लिए कि आज स्टोरी सुनने के लिए इतने सारे लोग रात में 9-10 बजे भी बैठे हुए हैं। तो दिस इज द चेंज, दुनिया कुछ ना कुछ तो कहेगी, दुनिया का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, आराम से वेस्टेज करते रहना, राइट। आपको लोगों को क्या जवाब देना है, अपनी स्टोरी से आपको जवाब देना है, और ये काम आप कर सकते हैं। यू हैव द पोटेंशियल, यू आर अल्टीमेट, मैं ये कहना चाहूंगा। इन्हीं चीजों के साथ थैंक यू।